नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, मैं चंचल राय, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। आज हम महेश कश्यप जी के पास आए हैं जो इनको सपा से फिर से जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। लगभग कितने वर्षों से आप सक्रिय राजनीति में हैं? राजनीति में जब से हमने अपने जीवन का होश संभाला है तब से समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया है और समाजवादी पार्टी में हमारा राजनीतिक जीवन हुआ है और हम उम्मीद और हमें अपने ऊपर ये भरोसा है कि हमारा जीवन का जब अंतिम दिन होगा वो भी समाजवादी पार्टी में ही होगा। आपको ऐसा क्या ख्याल आया था कि मतलब हमें समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन करनी है? समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, जो माननीय मुलायम सिंह ने जो विचारधारा को न्यू डाला है और उस विचारधारा को माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, आज आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर वही अगर पार्टी है जो सब समाज को लेकर चल सकती है वो समाजवादी पार्टी है। आपको याद होगा कि हमारी समाज में जन्मी एक फूलन देवी जो किन परिस्थितियों में उन्होंने एक रास्ता ऐसा अपनाया जहां उन्होंने स्वयं के लिए और एक समाज को संदेश देने के लिए न्याय का रास्ता जो उन्हें लगा उन्हें अपनाया और उनके साथ में जिस तरीके की जास्ती हुई, अगर किसी ने मदद की थी तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मदद की थी, उन्हें जेल से निकाला, जेल से निकालने के बाद देश की सबसे बड़ी संसद में भेजा। तो जब जब मौका समाजवादी पार्टी को मिला है किसी भी वर्ग को लेकर तो समाजवादी पार्टी ने उस समाज के व्यक्ति को और उस बिरादरी के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो वो समाज की उत्थान के लिए आता है और जब वो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुकात रखेगा तभी समाज का भी उत्थान हो सकता है। तो समाजवादी पार्टी है जिसमें हर वर्ग के लोगों का सम्मान और सम्मान मिला है और सम्मान मिलता है, इसीलिए हम समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी में रहेंगे भी। आपको दोबारा जिला अध्यक्ष बना दिया गया है समाजवादी पार्टी का, आपको कैसा लग रहा है? समाजवादी पार्टी में जो लोग काम करते हैं उन्हें अवसर मिलता है आगे बढ़ने का, उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से लोगों को हमेशा और लोगों को इससे पहले पूर्व में भी अवसर मिला है और उन्होंने भी अपने जो संगठन में जिस तरीके की गति दे सकते थे वो गति देने का काम उन लोगों ने भी किया, हमने भी पहले दिन से कोशिश की। पहली बार अध्यक्ष अभी मेन बॉडी के अध्यक्ष के पहले हम जिले में सचिव थे, फिर यूथ के अध्यक्ष बने, 4 साल हम यूथ के अध्यक्ष रहे, उसके बाद हम पहली बार अध्यक्ष 2020 में बन गए, आज आपके सामने दोबारा बन गए हैं। तो ये लोगों का भरोसा और माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है जो हमें निरंतर समय समय पर मिलता है और हम उसको जो उनका आशीर्वाद मिलता है उस वही हमारे काम करने के लिए सुलभ रास्ता भी बना देता है, तो हम उसी के माध्यम से आगे काम भी करते हैं और खुशी होती है हमारे साथ में। जब खुशी हमें हो रही है हमारे समाज के लोगों को और जो विशेष तौर पर दलित और बैकवर्ड के लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पहले आपको अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया गया था, क्या वजह रही थी? जिला पंचायत का चुनाव चल रहा था और हम जिला पंचायत के चुनाव में चूँकि अध्यक्ष अगर किसी चीज़ का श्रेय लेता है जिले का सारे काम की जिम्मेदारी उसकी होती है तो अगर कोई काम खराब होता है तो जिम्मेदारी भी उसी की होती है। प्रारंभिक जांच चूँकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रशासन के बल के आधार पर नामांकन समाजवादी पार्टी के लोगों का नहीं होने दिया था तो प्रारंभिक लगा कि हो सकता है कि कहीं हमारी कमी होगी, उसमें हमें निकाल दिया। लेकिन जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जानकारियां एकत्रित की, सारी चीज़ें क्लियर हो गई और जिन कारणों से निकाला था वो कारण भी स्पष्ट जग जाहिर है तो आज हमें फिर पुनः अध्यक्ष बना दिए गए। बुंदेलखंड के विकास को लेकर आपका क्या एजेंडा है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाई थी और बुंदेलखंड भी उसमें से एक है
आप देखेंगे बुंदेलखंड में जब समाजवादी पार्टी की पहले सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, अगर जो आज आपको पुल पुलिया दिख रहे होंगे वो समाजवादी पार्टी की ही देन थी, जो यातायात और रोडों की व्यवस्थाओं में कई, और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में आपने देखा है जहाँ आज कोविड के इलाज हो रहे हैं, इसी आज़ादी के बाद सबसे बड़ा अस्पताल किसी ने बनाया तो समाजवादी पार्टी ने बनाया, झांसी बुंदेलखंड में है आपके दो दो फ्लाई ओवर दिए, कितना जाम से रहता था झांसी। तो जब समाजवादी पार्टी को अवसर मिला है तो विशेष तौर पे यही बुंदेलखंड है, जब सूखा पड़ा तो माननीय जी ने खाने के पैकेट से लेकर वो सारी व्यवस्थाएँ इस बुंदेलखंड के लोगों को विशेष तौर पे, जबकि बुंदेलखंड का आपको हम बता दें कि जब जब सरकार हमारी बनी तो हिस्सेदारी MLO के रूप में भले ही कम रही हो, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी को जब भी मौका मिला है तो सबसे ज़्यादा कहीं काम किया है तो इस बुंदेलखंड में काम किया। और हमें, हम आपके माध्यम से कहना भी चाहते हैं कि आने वाले समय में जब सरकार समाजवादी पार्टी की होगी तो चहुमुखी विकास इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में होगा, और ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिस वर्ग के लोगों का सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान से उनको रहने और जीने की आज़ादी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप देख रहे हैं किस तरीके से किसी बेकसूर को दिन दहाड़े ठोक दे रहे हैं, कभी पुलिस को कोई ठोक दे रहा है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। तो जहाँ तक और सारे लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उन सबको लेकर भी बुंदेलखंड और आम जनमानस के लिए जो बेहतर से बेहतर होगा, अच्छी योजनाएं लोगों के पास, रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवाई पढ़ाई मुफ्त हो, इसके लिए भी जो समाजवादी पार्टी कर सकती है वो करने का पूरा प्रयास तो पहले काम किया था, आगे भी आने वाले समय में समाजवादी पार्टी काम करेगी। आगामी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? समाजवादी पार्टी संगठन के तौर पर बूथ लेवल पे बहुत मजबूत है, क्योंकि हम सच्चाई के साथ में बूथ लेवल पर हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ के आधार पे बूथ लेवल पर है। हमें लगता है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का मुकाबला किसी दल से नहीं है, सारे दल बहुत पीछे हैं। लोग बागों को उम्मीद और भरोसा माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों पर है, उनकी नीति और संगठन का प्रयास, और संगठन आज की डेट में समाजवादी पार्टी का बहुत शानदार और बूथ लेवल पर संगठन मजबूत है। हम संगठन के आधार पर माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 400 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं? आपके माध्यम से हम दर्शकों से निवेदन और प्रार्थना करते हैं, जिस तरीके से कोरोना में जो लोगों की मृत्यु चली गई, ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे, उन परिवारों को धैर्य धारण करने की क्षमता दे। और एक निवेदन ये भी है कि आने वाला समय जो 5 साल में एक बार आता है, जहां आपके वोट से आपके जीवन का आने वाला समय तय होता है कि आपके वोट से आपके बच्चे परिवार के काम किस तरीके से होंगे, वो आने वाला समय 5 महीने के बाद है, तो समाजवादी पार्टी की मदद करें, समाजवादी पार्टी का सहयोग करें और समाजवादी पार्टी को अपना मतदान करें। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें जी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका।